क्या आप स्ट्रेस की वजह से ज्यादा खाने लग जाते हैं? वेल, इसे स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। क्या होता है स्ट्रेस ईटिंग? स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके ईटिंग पैटर्न्स में चेंज आता है। इस कारण लोग खाने का इस्तेमाल करते हैं सो दैट दे कैन फील बेटर। क्लिनिकल डाइटिशियन प्रियंका लल्ला का ये कहना है कि रिसर्च ये बताता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बॉडी को बहुत क्रेविंग होती है ऑफ फूड्स दैट आर हाई इन फैट्स, सॉल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। दिस लीड्स टू बिंज ईटिंग। अब क्या एडवाइस आपको दिया जाएगा टू प्रिवेंट स्ट्रेस ईटिंग? सबसे पहले ये है कि अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप खा रहे हैं आपकी भूख की वजह से या किसी रिस्पॉन्स टू इमोशन की वजह से। दूसरा है कि अपने टेम्पटेशंस को हटाने की कोशिश करें। अगर आपके घर में बेक्ड गुड्स, चिप्स, सोडाज या कैंडीज हैं जिसकी वजह से आप वहाँ क्विक बाइट लेने जाते हैं, तो इस सब को हटाएं। ये रिकमेंडेड है कि ज़्यादा भूख लगते वक्त आप ग्रोसरी शॉपिंग ना करें, क्योंकि उस समय आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना परचेज करेंगे। तीसरा है एंगेज इन माइंडफुल ईटिंग। इसका मतलब ये है कि आपको अपने खाने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जब आप अपना खाना खाते हैं। अवॉइड करें टीवी, स्मार्टफोन्स या कोई भी दूसरा डिस्ट्रैक्शंस जब आप अपना खाना खा रहे हैं। इससे आपका बेटर कनेक्शन होता है खाने के साथ जब आप खा रहे होते हैं। चौथा है मेंटेन करें एक फूड जर्नल। इवैल्यूएट करें अपना ईटिंग पैटर्न और देखिए क्या क्या वो ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आपको खाने का मन करता है। इसके अलावा कुछ हेल्दी ईटिंग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। अगर आपको खानों की क्रेविंग हो सकती है तो आप कुछ हेल्दी ईटिंग ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हैं जो रिच होते हैं इन फाइबर एंड प्रोटीन, जैसे कि नट्स, सीड्स, ड्राइड फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।